माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स ने कोरोना पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं, साथ ही अगले साल की पहली तिमाही तक कई कोविड-19 वैक्सीन फाइनल स्टेज में होंगी। ऐसे में वैक्सीन उत्पादन के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत में बड़े स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन होना है। मेरा मानना है कि उसमें से कुछ हिस्सा विकासशील देशों को मिलना चाहिए। इसके लिए दुनिया भारत की तरफ नजर गड़ाए है। गेट्स ने यह भी कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन में भारत के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथ ही ये भी कहा कि हम सब भारत में जल्द से जल्द वैक्सीन चाहते हैं, बस एक बार उसमें प्रभावी और सुरक्षित होने का पता चल जाए। एक बार कोई भी वैक्सीन, चाहे वह एस्ट्राजेनेका हो, ऑक्सफोर्ड की हो, या नोवावैक्स की हो, या फिर जॉनसन एंड जॉनसन की, एक बार कोई भी कोरोना वैक्सीन अगर मार्केट में आ जाए तो हम भारत में उसके उत्पादन की पूरी कोशिश करेंगे। यह पहली बार नहीं है जब बिल गेट्स ने कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत को सराहा है। 2 महीने पहले भी उन्होंने डिस्कवरी प्रोग्राम की एक डॉक्यूमेंट्री में भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की जंग भारत के बिना अधूरी है। भारत की इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन सप्लाई कर सकता है। बिल गेट्स फाउंडेशन का भी कोरोना से जंग में अहम योगदान है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक ने कहा है कि यह कोई विश्व युद्ध जैसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यह सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को वैक्सीन समान रूप से मिले और इसमें भारत पूरी तरह मदद करेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।